हाँ तो चौधरी साहब बताइए, आप लोग इंसाफ लोगे कैसे? आंदोलन करेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलता भूख हड़ताल पर बैठेंगे। चौधरी साहब, भूख हड़ताल तो लोग सदियों से कर रहे हैं। आप बताइए, आप क्या ऐसा कुछ नया करने वाले हैं जिससे आपको लगता है सरकार आपकी बात मान लेगी? ए भाई, हमें तो बिस्किट खिला दे यार, हम थोड़े भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आप जैसे हजारों लोग हर साल भूख हड़ताल पर बैठते हैं, सरकार का पुतला फूंकते हैं, मगर इससे होता क्या है? कुछ नहीं होगा, जरूर होगा। कुछ नहीं होगा, हम सरकार को सबके सामने नंगा करेंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने हमको सबके सामने नंगा किया। और हम अरे सरकार ने हमें सबके सामने नंगा किया है, हम सरकार को सबके सामने नंगा करेंगे। अरे यही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, और इसीलिए हम लोग ये आंदोलन भी नंगे होके करेंगे। एक मिनट सर, बिस्कुट जान है यार, यहाँ ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है और तुझे चाय बिस्कुट की पड़ी है। अर्जुन जी, क्या आप लोग सच में नंगे होकर भूख हड़ताल कर रहे हैं? ये भाई ने बोल दिया ना, नंगा मतलब नंगा। सच्चाई के साथ साथ अगर कुछ चाहिए तो वो है सनसनी। यही है आज की सच्चाई। भाई साहब, इसको रोकिए ना, ये क्या बोल रहे हैं? मास्टर, बॉडी बनानी शुरू कर दे। क्यों? अरे बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए, नंगा हो रहा है ना। चेता भैया, अर्जुन क्या बोल रही है? अरे जो भी कह रहा है सही कह रहा है। आपको लगता है इस लड़ाई से आपको कुछ फायदा होगा? कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की बची हुई इज्जत भी चली जाए। जो लड़ा जंग के मैदान पर वही शहीद हुआ, लेकिन जो लड़ा ही नहीं वो पहले ही गया।